साथ में इनका चौधरी। ज्ञानवापी परिसर की बात, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का एक और पेज सामने आया जिसमें शिला पर राम लिखा है। एएसआई रिपोर्ट में शिलालेख को आधुनिक काल का बताया गया, लगभग 300 साल पुराना शिलालेख है। तहखाना नंबर 2 में यह शिलालेख मिला है जिसकी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर बताई जा रही है। ज्ञानवापी के सही देखिए राम लिखा है यह शिलालेख, जो कि 2 नंबर तहखाने से मिला है जिस पर राम अंकित है। मार्बल के पत्थर पर राम लिखा है, 300 साल पुराना बताया जा रहा है यह शिलालेख। तहखाना नंबर 2 में यह शिलालेख मिला है। ज्ञानवापी परिसर के हर एक कोने का सर्वे हुआ है, सिर्फ सील्ड एरिया को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों का वैज्ञानिक सर्वे हुआ जिस पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। वो रिपोर्ट दोनों पक्षों को कल सौंप दी गई और रिपोर्ट के आधार पर एक एक साक्ष्य जो सामने आ रहे हैं वो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो रिपोर्ट के अंदर दर्ज की गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि 32 ऐसे सबूत हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही, मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया। एक टुकड़ा जिस पर राम अंकित है, कई सारे टुकड़े मिले हैं ऐसे जो कि अवशेष हैं हिंदू मंदिरों के, जिन पर देवनागरी में, संस्कृत में, साथ ही तेलुगु भाषा में अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं, कई बातें लिखी हुई है। मौजूदा स्ट्रक्चर से पहले हिंदू मंदिर था, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ है। 17वीं शताब्दी में तोड़ दिया गया था, ये भी इस रिपोर्ट के आधार पर आप कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक शिलालेख जिस पर राम साफ साफ नजर आ रहा है, 300 साल पुराना बताया जा रहा है, इसके बारे में और विस्तार से बताएं। देखिए, ये शिलालेख है और ये बड़ा प्रमाण है। ऐसे 32 शिलालेख मिले हैं जिस पर साफ तौर पर वो मंदिर की पुष्टि करते हैं, प्रमाणिक करते हैं, और एएसआई ने इसीलिए सर्वे पर उन शिलालेखों का जिक्र किया है। 32 शिलालेख ऐसे हैं। खास बात यह है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इन्हीं शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया मंदिर को करके मस्जिद बनाने में। तो खास बात, इन शिलाओं की जांच की गई, इन शिलाओं को लेकर 32 शिलालेखों की जांच की गई, और इसमें एक शिलालेख जो टूटी मिली है, खास बात यह है कि ये एक जिसमें राम का नाम लिखा है और एक शिलालेख टूटी जिसमें फारसी भाषा में औरंगजेब के फरमान का भी जिक्र है, जिसमें मंदिर को तोड़कर मस्जिद की बात कही गई, ये एसआई ने कहा है। और एसआई ने साफ तौर पर जो 20 पेज जो फाइंडिंग रिपोर्ट है, 20 पेज, उस 20 पेजों की फाइंडिंग रिपोर्ट में जो कंक्लूजन वाली लाइन है उसको जरूर जानना चाहिए कि इसने 32 शिलालेखों के और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कहा है कि ये साफ, इसको कहा जा सकता है, इट कैन बी से कि यहाँ पर भव्य मंदिर था जिसको मौजूदा स्ट्रक्चर, जो मंदिर नष्ट करके मौजूदा स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी कि मौजूदा स्ट्रक्चर जो पश्चिमी दीवार है वो 5000 साल पुरानी बताई जा रही है जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके अनुसार। कई अवशेष हैं मंदिर के जो 1700 साल पुराने बताए जा रहे हैं, और ये राम मंदिर, राम जो लिखा हुआ है, जो शिलालेख है, ये 300 साल पुराना बताया जा रहा है। क्या इसके बारे में रिपोर्ट में है कि ये यहीं का टुकड़ा है या कहीं और से भी लाया गया? क्योंकि कई ऐसे पिलर्स हैं जिसके बारे में कल एएसआई रिपोर्ट की जब जानकारी दे रहे थे विष्णु शंकर जैन, तो उन्होंने बताया था कि 1669 में उसे तोड़कर उसका इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया, उस पिलर का इस्तेमाल किया गया। तो इस शिलालेख की तारीख के बारे में भी कुछ आइडिया है क्या? बिल्कुल, देखिए, जो रिपोर्ट है उसमें एएसआई सर्वेक्षण के दौरान मैंने कहा कि 32 ऐसे शिलालेख मिले थे जो पहले से मौजूद हिंदी मंदिरों के प्रमाण है और जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण और मरम्मत के दौरान दोबारा उपयोग किया गया, ये एएसआई की रिपोर्ट में लिखा है और ये बात विष्णु शंकर जैन ने भी कहा। दूसरी बात, इन शिलालेखों में तीन बातें और हैं कि देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों के शिलालेख भी शामिल है। तेलुगु, अगर आप काशी में जितने प्राचीन मंदिर हैं आप उनको देख लीजिए तो उनमें नाम दो भाषाओं में लिखे हैं, या तो हिंदी या फिर तेलुगु, तो संस्कृत में भी नाम है, तो तेलुगु इसलिए क्योंकि तेलंगाना का, तेलुगु का काशी से जुड़ाव रहा है और वहां के लिए काशी विश्वनाथ की बहुत महत्व है,
इसीलिए ये बात साफ तौर पर बताई जाती, कन्नड़ का भी जिक्र है। तो इसके अलावा संरचना में पहले से जो शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है, एसआई ने लिखा है कि संरचना में पहले के शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्सों को मौजूदा संरचना के निर्माण में प्रयोग किया गया। बिल्कुल उपेंद्र, उपेंद्र एक एक कर वो सभी तस्वीर न्यूज 18 भी दिखा रहा है अपने दर्शकों को। एएसआई की रिपोर्ट में जो जो सबूत रखे गए हैं कि पहले यहाँ पर भव्य मंदिर था, भव्य मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया, मंदिर को ध्वस्त करके 17वीं शताब्दी वो वक्त भी बताया जा रहा है जब मंदिर को तोड़ा गया होगा। धन्यवाद आपका उपेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।